हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे इस वीडियो में, जिसमें कि 4,400 से ज़्यादा परमानेंट पोस्ट है। सैलरी अच्छी होगी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट टीचर परमानेंट पोस्ट है, तो 65,000 अराउंड सैलरी होने वाली है। बाकी की डिटेल आगे वीडियो में हम चेक कर लेंगे कि क्या है, कहाँ की एडवर्टीजमेंट है और क्या डिटेल्स है। थोड़ा ब्लर है बट आप देख, मैं आपको रीड करके बता दूंगी। जैसे कि कंप्यूटर कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस में मिला के 3,800 वैकेंसीज हैं। और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, उर्दू, ये सब मिला के 613 वैकेंसीज होंगे। एक तो मेवात कैडर में और दूसरी जो है रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर। तो ये बात हो रही है हरियाणा की, तो पूरी डिटेल समझ लेते हैं कि हरियाणा से पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की एडवर्टीजमेंट आई थी जो कि विड्रॉ कर ली गई क्योंकि कोर्ट में कुछ केस वगैरह चल हो रहा था, कुछ कैंडिडेट्स ने कुछ इश्यूज बताए थे और उसको विड्रॉ कर लिया गया था एडवर्टीजमेंट को। तो अभी उसी एडवर्टीजमेंट को शॉर्टली जो है फिर से जारी किया जाएगा, ऐसी बात हो रही है। हरियाणा लोक सेवा आयोग PGT पदों के लिए स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव पेपर ही लेगा। अभी 2019 और 2022 के आवेदकों को नए सिरे से आवेदन करना होगा, तो जिन्होंने पहले से एप्लीकेशन किया हुआ था उनको फिर से एप्लीकेशन करना होगा। अलग अलग निकलेगा विज्ञापन। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 4,000 से ज्यादा वैकेंसीज के लिए एडवर्टीजमेंट शॉर्टली जारी होने वाली है। इसमें जैसा लिखा है, जैसे ही सॉफ्टवेयर तैयार होगा, अगर यहाँ पर थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर ले, तो सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार किया जा रहा है। PGT पदों के आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। जैसे ही सॉफ्टवेयर तैयार होगा तुरंत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इस बार आयोग ने जहां फैसला किया है कि स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से शॉर्टली आपको एक एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, जिसमें कि 4,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। अगर आप बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो जो पहले एज क्राइटेरिया थी 42 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते थे जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के लिए। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, रिजर्व कैटेगरी के लिए मिलती है एज में रिलैक्सेशन। और अगर इसकी बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन, तो HTET होना होगा इसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd प्लस HTET होना होगा। तो जिनके पास HTET रहेगा वही अप्लाई कर सकेंगे। तो बाकी जो एक इससे जुड़ा एक और नोटिस भी यहां पर भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि लिखा है अनाउंसमेंट, इट इज हियर बाय अनाउंस दैट द जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ PGTs इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट नंबर 31 एंड 32/2022 दैट द कमीशन हैज डिसाइडेड टू विदड्रॉ द अबव एडवर्टीजमेंट, फ्रेश एडवर्टीजमेंट विल बी इशूड शॉर्टली। तो ये पहले भी लिखा था कि इशू शॉर्टली कर दिया जाएगा और उसी क्रम में अब सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं और चेंजेस करके एडवर्टीजमेंट बहुत जल्दी जारी होगा। तो हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी वैकेंसी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 4,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। सब्जेक्ट तो आपको मैंने बता ही दिए कि काफी सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे इसकी एडवर्टीजमेंट जारी हो जाती है आपके साथ शेयर कर दीजिए। कि आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।